हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फनेल लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में कुछ नया नया पढ़ते हैं ना, तो चलो हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी की किताब का चैप्टर पार्ट 3। ये पार्ट 3 बच्चों, हमने स्वर पढ़े थे ना, अ आ ई ई उ, और व्यंजन भी पढ़े थे, है ना। तो आज वही शब्दों को हम पढ़ेंगे। अ से क्या होता है, आ से क्या होता है, और लिखेंगे भी। तो ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। तो क्या लिखा गया है? अ से क्या होता है? अ से अनार होता है। क्या होता है? अ से अनार। ये चित्र किसका दिख रहा है? अनार का। देखो ये चित्र किसका दिखा है आपको? अ से अनार, है ना। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे अ ना र, अनार हो गया, है ना। फिर देखो उसी प्रकार हम देखते हैं अ से अनार होगा। अ के आदमी कौन सा स्वर आता है? आ। तो आ से क्या होता है? आ से आम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आ म, आम हो गया ना। फिर आ के बाद में कौन सा स्वर आएगा? छोटी ई। ई से इमली। तो इमली हम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। फिर देखो अ आ ई, अ ई बड़ी ई। ई से ईख। ईख किसे बोलते हैं? गन्ना को बोला जाता है ईख। किसको बोला जाता है ईख? गन्ना को, है ना। तो ई बड़ी से क्या होता है? बड़ी से ईख होता है। तो हमको यहाँ पर ईख लिख देना है। ई ख, ईख। फिर ऊ, छोटा ऊ। तो क्या होता है छोटा ऊ? छोटा ऊ से उल्लू। देखो उल्लू ऐसा होता है बच्चों, उल्लू को रात को दिखता है, सुबह नहीं दिखता होता। तो ऊ, ऊ से उल्लू। फिर देखो ये क्या है? ऊ बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। ऊन, ऊन जानते हो? ऊनी स्वेटर पहनते हो ना, तो किससे बनता है? वो ऊन से बनता है। और ऊन किससे बनती है बच्चों? ऊन बनती है भेड़ से बालों के। भेड़ होती है ना शिप, तो भेड़ के बालों से ऊन बनती है। ऊन से स्वेटर बनते हैं जो हम सर्दियों के दिनों में पहनते हैं। उसे ऊन। फिर देखो ऊ के आदमी क्या आता है? ये क्या है? रूसी। रूसे रूसी। रूसी मुनि होते हैं जो पहले, अभी तो नहीं, पहले क्या वो मांगने आते थे, यज्ञ करते थे, वो रूसे रूसी होता है। फिर क्या? ए ए से एडी। क्या है ये? ए ए से एडी। ऐ ऐ से ऐनक। ऐ ऐ से क्या होता है? ऐनक होता है। फिर देखो आगे देखते हैं हम। आई के आदमी आया ओ। ओ से क्या होता है बच्चों? ओ ओ से ओखली। जिसमें मम्मी क्या बनाती है ओखली में? कूटती है ना ये ओखली, हमारे घर में होती है, चटनी बनती है इसके अंदर, सुबह चाय बनाते हैं। आदू होता है वो भी इसमें कूटा जाता है। तो क्या? ओ ओ से ओखली। ठीक है, औरत। ओ से औरत। फिर अरे वाह, ये तो क्या अंगूर है। तो अन से क्या होता है? अन से अंगूर। फिर अह। अ से अह। तो बच्चों ये शब्द के पीछे लगता है विसर्ग। तो ये क्या पढ़ा हमने? स्वर पढ़ा अ से लेके अह तक, ओके। अब हम पढ़ते हैं बच्चों व्यंजन। अ तो हो गया, स्वर हो गया। कितने स्वर पढ़े? 13 स्वर हमने पढ़ लिए, ओके, अ से लेकर अह तक। अब हम व्यंजन पढ़ते हैं, ओके। तो चलो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। ये फूल कितना अच्छा है। किसका फूल है? ये कमल का फूल है। तो कमल क क से क्या होता है? क क से कमल, है ना बच्चों। तो ये क्या है? क से कमल है। फिर अरे ये क्या है? सस्लू। पर सस्लू को गुजराती में तो सस्लू बोलते हैं, पर हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में सस्लू को हम बोलते हैं खरगोश। तो व्यंजन में क के बाद में क्या आता है? ख आता है। ख, ख से खरगोश।
फिर ये क्या है, ग। ग से गणेश जी, ग से गणपति भी होते हैं, ग गण से गणेश जी। फिर देखो आगे घ, ये घड़ी तो हम हाथ में पहनते हैं, घड़ी क्या हम समय देखते हैं, कितने बजे हैं, खाने का टाइम हो गया कि छुट्टी होने का टाइम हो गया, किस में देखते हैं, घड़ी में। तो घ, घ से घड़ी। फिर ये क्या है, च, च से चरखा। चरखा कौन चलाता था, गांधी जी थे जो चरखा चलाते थे, धागा बनाते थे, है ना बच्चों। फिर छ, ये तो हमने आगे पढ़ा हुआ, एक बार हमारा रिवीजन चल रहा है। छ है छतरी, बारिश आने पर हम बाहर जाना होता है तो छतरी लेके जाते हैं, तो छ से छतरी। और ये क्या है, जहाज, जहाज कहाँ चलता है, जहाज पानी में चल रहता है, ज, च से जहाज। फिर ये क्या है, झंडा, झ, ज से झंडा, है ना बच्चों। अरे ये लाल लाल क्या है, लाल लाल टमाटर है, खाते हो, कोई सलाद बना के खाता है तो कोई सेव टमाटर का साग खाता है, सब्जी खाता है, ट, ट से टमाटर। ट से क्या होता है, ट से टमाटर। और देखो बच्चों, जो बर्तन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ठ, ठ से ठटेरा। देखो ये बर्तन बना रहे हैं तो ठ से क्या होता है, ठटेरा होता है। ये क्या है, डमरू है, किसके हाथ में होता है डमरू, शंकर भगवान के हाथ में, तो ड, ड से डमरू। अरे ये क्या ढक्कन है ना, हमें घर पे मम्मा कुछ भी खाना बनाते कुछ होता तो उसको ढक्कन से ढक देते हैं, तो ढ, ढ से ढक्कन। ये क्या है, बाण, किस में क्या होता है, धनुष में बाण चला देना, वो बाण, तृणों का बाण। ये क्या है, तलवार, त से क्या होता है, तलवार होता है, त, त से तलवार। बाहुबली में आया था तलवार, देखा था ना, वो युद्ध हुआ था वो, त से तलवार। फिर ये क्या है, थन, भैंस या दूध, गाय दूध देती है, और जिसको गुजराती में ओचोट बोलते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, थन, थ, थ से थन। फिर ये क्या है, दवात, द, द से दवात। दवात मतलब बच्चों होता है, हम जो पेन में इंक भरते हैं ना उसको दवात भी बोला जाता है। फिर देखो ध, ध से धनुष, ध से क्या होता है, ध से धनुष होता है। राम भगवान के पास में था, राम जी ने तोड़ा था, पता है रामायण देखी हुई ना, वो वाला धनुष, ध से धनुष। न, न से नगाड़ा, बजाने का आता है ये भी। प, प से पतंग, जब उत्तरायण संक्रांत आती है जब बहुत सारे पतंग उड़ते हैं, हम उड़ाते, आप उड़ाते ना, कोई कागज़ का पतंग पतंग होता है तो कोई थैली का होता है। ये तो देखो ना, केले, द्राक्ष, सफरजन, सब अलग अलग, ये क्या कहलाते हैं, फल, तो फ, फ से फल। ये क्या बकरी है, ब, ब से बकरी। फिर देखो बच्चों आगे, भगत, भगत किसको बोलते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसको हम क्या बोला जाए, भगत, तो भ, भ से भगत। अरे कितनी अच्छी मछली है ना, तो म, म से मछली। फिर ये क्या, यज्ञ, य, य से यज्ञ, है ना। चलो आगे देखते हैं, अरे ये क्या है, घोड़े हैं, रथ, तो रथ से क्या होता है, र, र से रथ होता है बच्चों। ल से लड़की, ल, ल से लड़की। देखो ये वजन करने का होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, तो व, व से क्या होता है, वजन होता है। ये क्या है, शरबत, सबको अच्छा लगता है, नींबू का शरबत हो, आम का शरबत हो, क्या कच्ची केरी का हो, सब अलग अलग शरबत होता है, शरबत सबको अच्छा लगता है, तो श से शरबत। देखो ये षटकोण, इसको षटकोण क्यों बोला जाता है, इसमें छह भुजा होते हैं इसलिए षट से षटकोण। फिर देखो ये स से सपेरा, जो सांप को अपने अनुसार नचाता है, अपने इशारों पे रखता है, उसको क्या बोला जाता है, सपेरा। त,
तो स से सपेरा, ये ह, ह से हल। तो बच्चे ये खेतों में काम में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, हल। ह, ह से क्या होता है, हल होता है। देखो ये छतरी है ना। फिर ज्ञान, इसमें बहुत सारा इनमें ज्ञान भरा होता है इसलिए क्या बोलते हैं, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। फिर त्र से त्रिशूल, स्र से श्रवण, हो गए। तो बच्चे ये हमारा पूरा कक्का था, इसमें नीचे लाइन दी गई वहाँ पर आपको लिखना भी है, ओके। नीचे लाइन दी गई इसमें आपको लिखना है। तो हमने पूरा स्वर व्यंजन सभी पढ़ लिए ना, तो ये होमवर्क है, ये आपको अपने किताब में लिखना है, ओके। अब मैं नहीं बताऊँगी अ के बाद में क्या आएगा, आपको आया, अब आ गया होगा ना, तो आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, ओके बच्चों। वीडियो को देखना, ओके, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखना, ओके बच्चों, बाय बाय।